हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन लर्निंग ट्यूटोरियल। मैं हूं अंजनी गुप्ता और आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, 40+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट है ये, और इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि, इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जंगल में वनों का कटाव करके कृषि की जाती है, उसके बाद उस जगह को छोड़कर फिर दूसरे जगह पे वनों का कटाव किया जाता है और वहाँ कृषि की जाती है। यह सबसे पुरानी कृषि प्रणाली है। भारत में आज भी झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, असम, इनमें जो है झूम कृषि आज भी प्रचलित है। गंगा कार्य योजना कब शुरू किया गया था? 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना की शुरुआत हुई थी। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन उत्सर्जन की दी अनुमति व वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था? यह 1972 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये चीन की येलो नदी है। भारत में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी गंगा नदी है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? 2010 में। पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए? तो 33%। किसी भी एरिया का 33% वन होना चाहिए। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे वायुमंडल से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है कि वो कौन सी गैस है जिसका अवशोषण करके पौधे वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। तो देखिए दोस्तों, वन महोत्सव और वानिकी दिवस दो अलग चीज़ें हैं। वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ये विश्व वन्य जीव कोष पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। विश्व वन्य जीव कोष कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून। MS स्वामीनाथन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे और इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वर्षा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को। 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। सतत विकास सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत 157 देशों में 116वें स्थान पर था। स्वीडन पहले स्थान, डेनमार्क दूसरे और नार्वे तीसरे स्थान पर था। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से। रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने वाले हैं, लगभग खत्म होने वाले हैं पृथ्वी से। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है जो व्हीकल्स में यूज किया जाता है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों ये 40+ क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद हम पर्यावरण प्रश्नोत्तरी के और भी कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे आपके लिए। और अगर आपने हमारे पर्यावरण प्रश्नोत्तरी के सारे सेट लगा लिए तो हम आपको 90% गारंटी देते हैं कि आप पर्यावरण से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसके 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।